नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिर बनर्जी। आज हम लोग एक रिव्यू लेंगे एक सीता का, जो मैंने सर्जरी के लिए डॉक्टर ऑलरेडी बोल दिया था। तो आपके मुझसे आपका नाम एक बार थोड़ा सा बोलो। मैं इप्सिता शेन, कहाँ से हो? कैनिंग से। कैनिंग, ये वेस्ट बंगाल में है, कैनिंग बोल के एक जगह है। यहाँ से तो आपका क्या परेशानी था, थोड़ा सा बताओ। परेशानी वो मेरे यहाँ पे बहुत दर्द था। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट की है, उन्होंने पहले एक इंजेक्शन लगाया, फिर अल्ट्रासाउंड करीब 20 दिन तक लिए थे। कुछ दिन बेटर रिजल्ट आया था, लेकिन फिर से वो दर्द वापस आ गया। 2 साल से ये दर्द लेके परेशानी चल रही है। तो मतलब डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया था, तो मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी कि सर्जरी कैसे होगा ये वो। फिर गोपाल दास से बात हुई, मेरे हस्बैंड की। गोपाल दास ने सर का मतलब सर से हमारा मुलाकात करवाई। 10 मिनट में मेरा ये जो दर्द था और मेरे घुटनों में मतलब बैठने में तकलीफ हो रही थी, बाइक चढ़ने में तकलीफ हो रही थी, घुटनों में बहुत ही दर्द था। मैं सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा रही थी, एक एक करके स्टेयर ले रही थी। वो मतलब मैजिक की तरह गायब हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये भी हो रहा है या मैजिक है। सर के पास कुछ मतलब एकदम से गायब से हो गया है। मेरे हाथ में ये हाथ ऐसे ऐसे उठाने के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा है, लग रहा है कोई दर्द था ही नहीं। तो सर को बहुत थैंक यू। इप्सिता की बैकग्राउंड है वो डांसर है ऑलरेडी, और ये घुटने के दर्द के वजह से डांस एकदम बंद हो गया था। वो सोच रही थी जो कैसे ये ठीक होगा। तो हम लोग ऑस्टियोपैथी और क्रायोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट किए, एंड इसके साथ साथ स्पाइन का अलाइनमेंट किए। उनका C2 में एक प्रॉब्लम था, सर्वाइकल नेक में एक प्रॉब्लम था, उसको भी एडजस्ट किए। जिस दिन में वो उसको पता भी नहीं, वो तो जहाँ पे एवरीडे हेडेक का एक परेशानी था, तो वो भी चला गया और ये परमानेंट चला गया। एंड थोड़ा बहुत हम लोग एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्सरसाइज वगैरह हम लोग दे देंगे, तो जिसमें आपका ना ये घुटने का दर्द आएगा, ना आपका एल्बो का सर्जरी करना पड़ेगा, टेनिस एल्बो का, और ना इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑसम ट्रीटमेंट है। जो लोग चाहते हैं ऐसा ट्रीटमेंट अवेल करने के लिए, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। मैं डॉक्टर आतिन बनर्जी, 7980551069। तो सर्जरी आप अवॉइड करें, और वी कैन गेट अ सेकेंड ओपिनियन बिफोर सर्जरी, एंड सर्जरी में भी नहीं वो आपको करना पड़े तो ऐसा भी हो सकता है। जो कुछ कुछ जगह में सर्जरी एकमात्र उपाय है, कुछ कर नहीं सकते हम लोग, तो वो मैं बता दूंगा आपको क्या करना है या नहीं करना है। तो जो लोग चाहते हैं ये ट्रीटमेंट आप लोग अवेल करने के लिए, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। एंड इप्सिता पहले से अभी फिर डांसर बन गई, फिर डांस कर सकते हैं। यू कैन डू स्टेयर क्लाइंबिंग, व्हाट एवर यू कैन डू, इट्स बीइंग नॉर्मल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अलाइनमेंट के कर दिए। कुछ थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, खाना पीना थोड़ा सा बढ़िया सा को करना पड़ेगा। हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन दे देंगे जो आपको खाना पड़ेगा, एंड इसमें थोड़ा सा हाई प्रोटीन रहेगा, एंटी ऑक्सीडेंट फाइबर्स रहेगा, एंड थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हम लोग अवॉइड कर देंगे। कुछ कुछ फूड में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है घुटने का या कोई भी चीज़ में, तो घुटने का भी वो कंडीशन है नहीं। तो थोड़ा बहुत का उसका अलाइनमेंट का प्रॉब्लम था, वो हम लोग ठीक कर दिए, और आई थिंक अच्छे से वो रीड कर सकते हैं। तो इप्सिता के लिए भी और एक थम जो जहाँ पे और भी अच्छे से आप लाइफ लीड करो, एंड गॉड ब्लेस ऑल दिस विद यू। थैंक यू वेरी मच। कॉल मी नाउ फॉर वेट लॉस एंड पेन मैनेजमेंट। अतीश नाउ नियर कैलीगढ़ मेट्रो।